सब्सक्राइब करें या स्मार्टफोन बड़ी चैनल को और आगे आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो स्मार्टफोन बड़ी चैनल को। तो आज हम करने वाले बूट के एक्स्ट्रा बास ईयरफोन का अनबॉक्सिंग, जो कि हमें मिले हैं स्नैपडील की तरफ से, और करने वाले एमआई के बेसिक ईयरफोन के साथ कंपेरिजन। दोनों भी ईयरफोन का यूज़ मैंने किया है, तो दोनों भी ईयरफोन के बारे में कुछ मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी जो खुले हुए है वो एमआई के ईयरफोन है मेरे पास ऑलरेडी। MI.com से मैंने कुछ दिन पहले 600 रुपये में मिले थे, फिलहाल ये स्टॉक आउट है। पर एमआई के ऐसे ही मतलब एमआई बेसिक करके ईयरफोन वो 500 रुपये में अभी भी मिल रहे। और बूट के एक्स्ट्रा पास ईयरफोन मैंने लिए Snapdeal.com से, तो Snapdeal पे ये मुझे मिले 508 रुपये को। इसका मतलब प्रूफ भी मैं मेरा ईमेल का दिखा दूंगा। ये फिलहाल अलग अलग वेबसाइट पे 850, 900, 1000 रुपये तक ये मिल रहे हैं बूट के। पर आप अपने हिसाब से प्राइस चेक करके आप अपने हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं आपको अगर ये अच्छे लगेंगे तो। तो मैं इसे बॉक्स को किया है कट और आपको दिखा देता हूँ कि कुछ मतलब किस तरह से दिखते। तो फिलहाल हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बबल जो हम कान पे लगाते हैं बूट ने हमें एक्स्ट्रा दिया है। इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, पर अच्छी बात है कि बूट ने हमें इसके साथ एक फ्री में दिए अलग अलग साइज के, अलग अलग आपको एक्स्ट्रा में बूट ने फ्री में दिए। डिज़ाइन तो ऊपर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ईयरफोन कैसे ईयरफोन दिखने में बहुत अच्छे। इसका लुक वाइज देखा जाए तो इसमें रेटिंग करना होगा तो मैं 10 में से 9 रेटिंग कर सकता हूँ, और वही मुझे रेटिंग MI के साथ करना हो तो 10 में से 8 दूंगा। तो हम देख सकते हैं दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही ईयरफोन में MI से माइक है। इसका जैक 3.5 mm का L टाइप है और दूसरा MI का स्टेट है। तो फिलहाल दोनों को मैंने साउंड क्वालिटी चेक की, तो बास के हिसाब से, म्यूज़िक के हिसाब से ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना है आपको तो बूट के ईयरफोन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है। पर अगर आपको एकदम स्मूथली क्लासिक म्यूज़िक सुनना है तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा कि MI के ईयरफोन अच्छे है। MI से बूट को मतलब वॉइस में कंपेयर करूँगा एकदम स्मूथ वॉइस में, एकदम क्लासिक में, तो MI के एकदम अच्छे रहते हैं। और हालांकि यंग जनरेशन में सभी जो लाउड वॉइस म्यूज़िकल सॉन्ग सुनते हैं तो उसे मैं रिकमेंड करूँगा। ये देख सकते हैं मेरे को MI के ईयरफोन यहाँ पे अभी कट हो रहे हैं, 4-5 महीने यूज़ किया, इतने कम समय में यहाँ पे मैं एक मतलब कट होने लगे, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल है और मुझे नहीं लगता कि इजीली ये कट वगैरह होगा। तो मुझे तो बूट के भी ईयरफोन अच्छे लगे, MI के भी अच्छे लगे, पर साउंड और मतलब एक्स्ट्रा बास या हम बोल सकते हैं म्यूज़िक के हिसाब से मुझे बूट के ईयरफोन बहुत अच्छे लगे। तो दोनों का प्राइस देखा जाए तो अराउंड दोनों का प्राइस सेम ही है। और बूट के इसके मतलब आगे के बबल के बारे में देखा जाए तो बूट के थोड़े से हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं कि कान को चुभते हैं वगैरह, मुझे तो एकदम अच्छे लगे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिलहाल दोनों भी ईयरफोन मेरे पास है। बूट के ईयरफोन को मैं अभी 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 दिन से यूज़ करने पर मुझे ये अच्छे लगे। ये मेरा ईमेल का कुछ मतलब मैंने स्क्रीनशॉट निकल के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 508 रुपये में मुझे टोटल डिलीवरी के साथ मिले। तो एक अच्छी बात है कि अलग अलग वेबसाइट साइट के हिसाब से स्नैपडील ने हमें कम प्राइस में अवेलेबल किए, इसलिए स्नैपडील को एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं मुझे जो बताना था मैंने आपको सब इस वीडियो में बताए। अगर आपको कुछ ईयरफोन लेने हैं अराउंड 500 के अंदर तो ईयरफोन अच्छे, अच्छा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको JBL के साथ कंपेयर करोगे तो उसके साथ ये टक्कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। JBL की प्राइस देखी जाए तो उसके प्राइस के हिसाब से JBL बहुत बेस्ट है, पर JBL का प्राइस भी उतना ही है। तो ये इस प्राइस रेंज में अराउंड 5000 में ये अच्छे ईयरफोन है, तो आप इसके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। बूट के भी अच्छे लगे मेरे को और MI के भी अच्छे लगे, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मुझे एक्स्ट्रा म्यूज़िक के लिए बूट के अच्छे लगे। तो आप वीडियो में कोई मतलब जो बातें क्लियर करनी थी वो बातें मैंने सारी क्लियर की है। मैं ऐसे ही टिप्स और अनबॉक्सिंग के वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और टेक्नोलॉजी से दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आगे आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि
मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी कुछ नहीं, मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।